अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहड़ी, जिनको आज के ही दिन 17 दिसंबर 1927 को मात्र 26 साल की उम्र में गोंडा के आदर्श जेल में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहड़ी के पुण्यतिथि पर जनपद में प्रशासन द्वारा विविध आयोजन भी किए गए। आयोजन में शरीक होने पश्चिम बंगाल कलकत्ता से शहीद लाहड़ी के परिजनों से आई उनके भाई की बेटी व पोती परिजनों के साथ गोंडा पहुंचकर शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उनके भाई की बेटी गीता लाहड़ी व पोती संगीता लाहड़ी ने अपने पूर्वजों से राजेंद्र नाथ लाहड़ी के बारे में जो गाथाएं सुन रखी थी उसे उपस्थित जनसमूह में साझा भी किया। अमर शहीद लाहड़ी जी के 93वीं पुण्यतिथि पर जनपद में आयोजित कार्यक्रमों के तहत जिला जज प्रदीप कुमार गुप्ता, सीजीएम गोंडा हरी राम, जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल, पुलिस अधीक्षक आर के नैयर, अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ शांति हवन पूजन, अमर शहीद पर माल्यार्पण, वृक्षारोपण के साथ ही विभिन्न विद्यालयों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। मैं यहाँ के अंग्रेजों को बगा के तोड़ूंगा, जब जन्म लूंगा, और उनका वजन भी नकी खुशी से बढ़ गया था। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, जितनी सी बातें मैंने पिताजी से सुनी और तुम मालूम खुशियार थे। एक बार कलकत्ता में आप लोगों ने दक्षिणेश्वर का नाम सुना होगा, मंदिर है काली का, वहाँ पर इनको अंग्रेजों ने ये जीप में दोनों हाथ बांध के और जीप से खींचा था, सारा ये बदन इनका छीन लिया था। इस तरह से अत्याचार किया है अंग्रेजों ने लोगों के साथ, ये सब हमने अपने पिता से सुना है। अच्छा, और तो मुझे ज्यादा नहीं मालूम हुआ था। मेरे पिताजी का जन्म 6 में हुआ था, 5 साल मेरे पिताजी छोटे थे। मेरे भाई की लड़की है संगीता लाहिड़ी, स्वर्गीय राजेंद्र नाथ लाहड़ी जी का आज शहीदी दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, ताकि हम उनको याद कर सके, उनके मार्गों पर चल सके और देश को एक नए प्रगति पथ पर ले जा सके। आज क्या उनके परिवार के लोग भी कुछ आए हुए हैं? जी, आज उनके परिवार के सदस्य भी लोग आए हुए हैं, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनका परिवार के सदस्य लोग यहाँ पे आए हों, और उनको मतलब पूरे सम्मान के साथ हम लोगों ने बुलाया भी था कि आप लोग। स्वतंत्र प्रभात के लिए जयदीप शुक्ला की रिपोर्ट, गोंडा।